हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंजना और आज की हॉल होने वाली है फ्लिपकार्ट हॉल। और फ्लिपकार्ट हॉल बहुत दिनों के बाद मैं शायद कर रही हूँ, शायद मुझे लगता है साल होने को आए होंगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं फ्लिपकार्ट वीडियो कर रही हूँ। इधर काफ़ी टाइम से मैं मीशो वीडियो ही कर रही थी और अमेज़न की वीडियोज़ काफ़ी आए हैं मेरे बीच में, लेकिन फ्लिपकार्ट की वीडियोज़ आई नहीं है। तो आज की वीडियो जो है फ्लिपकार्ट वीडियो है और बहुत ही अच्छी सी प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ। आज के हॉल में जो प्रोडक्ट्स मैंने चूज़ किए हैं वो है कुर्ता सेट। और ये सारी की सारी जो कुर्ता सेट है बहुत ही अच्छी है। और इस तरह की एक कुर्ता सेट है, इसे आप डेली वेयर के साथ साथ आप इसे आउटिंग के लिए भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप इसे वेयर कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छे लगे आज के प्रोडक्ट्स जो हैं। सो देखने में तो काफ़ी अच्छे हैं और जब मैं ट्राई ऑन करूँगी तो आपको ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कैसे हैं प्रोडक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं हॉल को और देखते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो जो फर्स्ट है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, बहुत ही अच्छी सी ये इस तरह की कुर्ता सेट मुझे रिसीव हुई है। देख सकते हैं कितनी प्यारी सी है, बहुत अच्छी लग रही है। और इस तरह की जो प्रिंट है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इस तरह की प्रिंट की आपको साड़ी भी देखने के लिए मिल जाएगी। इस तरह की सेम साड़ी दीपिका पादुकोण को वेयर किए हुए काफ़ी लोगों ने देखा होगा। वो वाली साड़ी बहुत फेमस भी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी वो साड़ी। उसके बाद काफ़ी सारी साड़ियाँ आई, रेप्लिका और सूट्स भी आ गए। तो देख सकते हैं आप इस कुर्ती को, इस तरह की ये कुर्ती है, इसे आप छोटे मोटे फंक्शन में भी वेयर कर सकते हो। थोड़ी सी इसकी जो डिटेलिंग है ये इस तरह की है, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। और मल्टी कलर में आपको ये कुर्ती रिसीव होती है। और ये जो कुर्ती है गाइज, ये है ब्रांड स्पेरा से। और ये वाली ब्रांड शायद मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, मैंने शायद अपने हॉल में कभी भी नहीं दिखाया होगा। इस तरह की मिल जाती है आपको ये कुर्ती, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी आपको मिल जाती है। राउंड नेक और नेक के नीचे आपको मिलती है इस तरह की गोटे पत्ती की वर्क। देख सकते हैं यहाँ पर गोटे पत्ती की जो डिटेलिंग है किस तरह की है, बहुत ही सिंपल सी। नेक के नीचे आपको गोटे पत्ती की वर्क मिल जाती है, सेंटर में आपको गोल्डन बटन्स मिल जाते हैं और बटन्स के बीच में आपको थोड़ी सी मीनाकारी वाली इस तरह की आपको पैटर्न मिल जाती है रेड और ग्रीन से, ठीक है। और गोटे पत्ती और सीक्वेंस वर्क के बीच में आपको रेड थ्रेड भी मिलती है। बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही सोबर सी वर्क के साथ ये कुर्ती रिसीव होती है। देख सकते हैं इसका जो वर्क है कितना अच्छा है, बहुत ही नीट वर्क है, बिल्कुल भी अनटाइडी नहीं लग रहा है, काफ़ी लुक अच्छा लग रहा है। बहुत ही सिंपल और सोबर सी ये कुर्ती मुझे लग रही है। और इस कुर्ती में आप देख सकते हैं कितने सारे कलर्स को यूज़ किया गया है, पूरी तरह से ये मल्टी कलर कुर्ती है। सामने से आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको मरून मिल जाती है, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, काफ़ी सारे कलर्स हैं। और बीच बीच में आप देख सकते हैं आपको गोल्डन लाइंस मिल जाती है फ्रंट में और बैक में, पूरी कुर्ती में आपको सेम मिलती है प्रिंट। कुर्ती की लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, इतने सारे कलर्स होने के बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ी सी डिफरेंट लुक है इस कुर्ती की। और यहाँ पर आपको 3/4 स्लीव्स प्रोवाइड की गई है, बिल्कुल सिंपल सी स्लीव्स है, स्लीव्स में कुछ भी नहीं दिया गया है। बैक साइड आप देख सकते हैं, बैक साइड आपको इस तरह की मिलती है, स्ट्रेट कुर्ती है, दोनों तरफ से आपको इस तरह की साइड स्लिट मिल जाती है। कुर्ती की जो फैब्रिक है रेयॉन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रेयॉन है, बहुत ही फाइन क्वालिटी की रेयॉन है। रेयॉन वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली फैब्रिक मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो बहुत ही सॉफ्ट सी ये फैब्रिक है, वेयर करने के बाद बहुत ही कम्फर्टेबल सी है। इसकी जो भी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी, बट बहुत अच्छी क्वालिटी की ये कुर्ती है, काफ़ी अच्छी लगी। सो मेरे तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है। और इसके साथ में जो बॉटम मिलती है वो देख लूँ क्या है, और इसके साथ में जो बॉटम मिलती है इस तरह की मस्टर्ड बॉटम मिल जाती है, बहुत ही प्यारी सी बॉटम है ये। इस तरह की बॉटम है ना कि आप इसे अगर क्रॉप टॉप के ऊपर भी वेयर करोगे तो बहुत अच्छी लगेगी, काफ़ी अच्छी सी बॉटम आपको रिसीव होती है, बहुत ही फाइन क्वालिटी की बॉटम है यार। और फ्रंट में आपको यहाँ पर बेल्ट मिल जाती है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरह की लेस मिलती है, ठीक है, थोड़ी बहुत आप इसे एडजस्ट कर सकते हो वेस्ट के अकॉर्डिंग। और बैक साइड में आपको इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन होती है उस तरह की फैब्रिक है, आप देख सकते हैं बॉटम की जो फैब्रिक है ये कॉटन है और बहुत ही फाइन क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और इसकी जो फ्लेयर है आपको मैं दिखा दूँ, बहुत अच्छी सी फ्लेयर है, देख सकते हैं इस तरह की फ्लेयर आपको रिसीव होती है। लुक इतनी अच्छी लग रही है ना इसकी, बहुत अच्छी लग रही है। इसके साथ में इसकी कलर कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉटम के नीचे में आपको इस तरह की कुर्ते वाले जो फैब्रिक है उसके साथ में आपको यहाँ पर बॉर्डर मिल जाता है और यहाँ पर गोटे पत्ती का वर्क भी मिलता है,
ठीक है, यहाँ पर zigzag वाली ये पैटर्न आपको मिल जाती है। बहुत ही ऑसम वाली ये कुर्ती सेट है गाइज, बहुत ही अच्छी सी कुर्ती सेट है। अगर आपके घर में भी फंक्शन है, जैसे इन दिनों में अब शादियों का भी टाइम है, तो घर में वेयर करने के लिए कुछ कंफर्टेबल और लुक काफी अच्छा हो जिसका, उसके लिए आप इसे चूज कर सकते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा अभी गर्मी भी हो रही है, तो गर्मी में कंफर्टेबल फैब्रिक के साथ में आपको ये बहुत ही अच्छी सी डिजाइनर पीस मिलती है। मुझे ये काफी अच्छी लगी। प्लाजो की जो लेंथ है काफी अच्छी सी है, बिल्कुल स्कर्ट वाली लुक है। सो वेयर करने के बाद काफी अच्छा लगने वाला है। मस्ट बाय प्रोडक्ट है गाइस, कहीं से भी ये मिस करने वाली नहीं है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय कर सकते हैं। एंड जो सेकंड है गाइस, ये है जयपुर कुर्ती से, और ये इस तरह की इंडिगो कुर्ती मुझे रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी सी कुर्ती है, हॉल में एक इंडिगो मेरी आ ही जाती है, येलो कलर और इंडिगो, ये दो तो मेरे हॉल में आती ही है। मैं कितनी भी कोशिश कर लेती हूँ, इस बार नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन कोई ना कोई पसंद आ जाता और फिर मैं हॉल में ऐड कर लेती हूँ। सो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी कुर्ती मुझे रिसीव हुई है, और इस तरह की कुर्ती है, देख सकते हैं कितनी अच्छी सी है। यहाँ पर आपको मिल जाती है योग के ऊपर एम्ब्रॉयडरी। ये जो आपको पिंक और ऑरेंज योग के ऊपर नजर आ रहा है ना, ये थ्रेड वर्क है, बहुत ही अच्छी सी सोबर सी यहाँ पर आपको मिल जाती है पिंक और ऑरेंज कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी। बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है गाइस, बहुत सोबर सी है, और प्रिंट के ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको छोटी सी सिंपल सी राउंड नेक मिलती है, और नेक के ऊपर आपको मिल जाती है मजेंटा कलर से पाइपिंग, ठीक है, इस तरह से। ब्लू के ऊपर आपको इस तरह की प्रिंट मिल जाती है, ऑसम वाली प्रिंट है ना गाइस, बहुत अच्छी सी प्रिंट है, हमेशा अच्छी लगती है, और ऑफिस के लिए तो परफेक्ट सी ये कुर्ती सेट है, बहुत अच्छी सी कुर्ती सेट है। थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी के साथ आप ऑफिस में अगर इस तरह की कुर्ती वेयर करके जाते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत सिंपल भी नहीं है और बहुत एलिगेंट भी लगता है। सो इस तरह की कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको नेक के ऊपर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, ठीक है, और पूरी कुर्ती में आपको इस तरह की प्रिंट मिलती है, स्ट्रेट कुर्ती है, और आपको यहाँ पर साइड स्लिट मिल जाती है, स्लिट के साथ में आपको इस तरह की मजेंटा कलर की पाइपिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी स्लीव्स आपको मिल जाती है, इस तरह की स्लीव्स मिलती है, इसकी जो फैब्रिक है बिल्कुल डिफरेंट है। स्लीव्स के ऊपर आपको इस तरह की zigzag वाली पैटर्न मिल जाती है। यहाँ पर आपको कुर्ते वाला ही फैब्रिक मिलता है, जो बेस है इसका वही वाला फैब्रिक आपको रिसीव होता है, और यहाँ पर आपको मजेंटा कलर की मिल जाती है, बहुत ही अच्छी सी पाइपिंग। लेंथ काफ़ी अच्छी है, काफ लेंथ तक होगी, ऑफिस के लिए बहुत ही अच्छी सी कुर्ती है गाइस। अगर आपको कुछ एम्ब्रॉयडरी के साथ में सिंपल और सोबर कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी सी है। इसकी जो फैब्रिक है प्योर कॉटन है, वो आपको अगर पसंद आता है तो आप ले सकते हैं। इसकी जो भी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी। इसके बॉटम की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं बॉटम कैसी है। तो इस तरह की यहाँ पर आपको प्लाजो मिल जाती है, यहाँ पर मजेंटा कलर की आपको प्लाजो मिलती है, और ये जो प्लाजो है सिंपल सी है, जो स्ट्रेट कुर्ती के साथ सिंपल डेली वेयर के लिए हम यूज़ करते हैं उस तरह की ही है। यहाँ पर आपको इस तरह की बेल्ट मिल जाती है, और बैक साइड में आपको इलास्टिक मिल जाती है, आपको यहाँ पर पॉकेट भी मिलती है। जिस प्लाजो में पॉकेट होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल रखने के बहुत काम आता है। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको मिल जाती है पॉकेट, और यहाँ पर आपको बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो मिलती है, सिंपल सी प्लाजो है जो मीडियम फ्लेयर होती है, उसके साथ में पैंट स्टाइल की प्लाजो आपको मिल जाती है। इसकी जो फैब्रिक है रेयॉन है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, अगर आपको पसंद आता है तो आप सोच सकते हैं। जो नेक्स्ट है गाइस, ये वाली जो है येलो कलर की कुर्ती है, और येलो कलर की कुर्ती आनी है मेरे हॉल में, सो आ गई, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसकी जो प्रिंट है ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और ये है ब्रांड, इसमें ब्रांड तो नहीं लिखा है, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कौन से ब्रांड का है, बट बहुत अच्छी सी कुर्ती है। इस तरह की आपको मिल जाती है ब्लॉक प्रिंट वाली कुर्ती, देख सकते हैं कितनी ऑसम वाली कुर्ती है। मुझे ये वाइट के साथ में येलो की जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत अच्छी लगती है। सो इस तरह की कुर्ती रिसीव हुई है, आप देख सकते हैं ऑसम वाली कुर्ती है ना गाइस, बहुत अच्छी सी कुर्ती है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है। इस तरह के राउंड नेक के साथ में आपको ये कुर्ती मिलती है, और यहाँ पर छोटी सी कट मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको इस तरह की मिल जाती है वाइट, ये छोटी छोटी पॉम्पॉम वाली जो होती है ना, उस तरह की लेस है, ठीक है, आप इसे पोटली लेस कह सकते हो या पॉम्पॉम वाली लेस कह सकते हो, और कुर्ती के दोनों तरफ आपको इस तरह की मिलती है लेस, ठीक है, यहाँ पर भी ये वाली लेस मिल जाती है वाइट, और यहाँ पर भी मिल जाती है। पूरी कुर्ती में आपको इस तरह की प्रिंट मिल जाती है, बहुत अच्छी लग रही है कुर्ती की, आप प्रिंट देख सकते हैं, वाइट के साथ येलो की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लग रही है, स्ट्रेट कुर्ती है, और यहाँ पर आपको साइड स्लिट मिल जाती है,
और इस स्लिट में भी आपको इस तरह की मिल जाती है लेस पॉम पॉम वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती है और यहाँ पर इस तरह की बॉर्डर मिलती है और साथ में आपको ये पॉम पॉम वाली लेस भी मिल जाती है। छोटी वाली है, बड़ी वाली पॉम पॉम नहीं है। बैक में भी आपको सेम प्रिंट रिसीव होती है और इसकी जो लेंथ है काफ के आसपास होगी और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। प्योर कॉटन इसकी फैब्रिक है, देखने में काफ़ी सिंपल और सोबर सा है। इस तरह की जो कुर्ती है, थोड़ी बहुत आउटिंग के लिए अगर आप जा रहे हो तो भी आप इसे वेयर कर सकते हो। आप वर्किंग हो तो आप ऑफिस में भी इस तरह की कुर्ती को वेयर करके जा सकते हो। बहुत एलिगेंट, बहुत सुंदर सा, और सबसे अच्छी बात है इसकी कलर कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी है ना, बहुत ही अच्छी सी है। मेरे तरफ से ये मस्ट बाय कुर्ती सेट है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। तो बॉटम को देख लेते हैं किस तरह की है। तो इसके साथ में आपको पैंट रिसीव होता है, जो प्लाजो पैंट होता है ना, उस तरह की पैंट है। पैंट ही है, मतलब प्लाजो की तरह फ्लेयर नहीं है, पैंट वाली है ये। और इस तरह की यहाँ पर आपको दोनों तरफ इस तरह की इलास्टिक मिल जाती है। यहाँ पर आपको बेल्ट रिसीव नहीं होता है। येलो के ऊपर आपको इस तरह की छोटी छोटी प्रिंट मिल जाती है। स्ट्रेट कुर्ती के साथ में ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और इसकी जो फैब्रिक है ना, इसमें आई डोंट नो आप देख पाओगे या नहीं, इसके ऊपर ना स्टिचेस लगे हुए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी सी है, देख सकते हैं। पता नहीं आप लोगों को नज़र आएगा या नहीं, बट इसके फैब्रिक के ऊपर आपको सेम थ्रेड से स्टिच मिलती है, ठीक है। इसकी वजह से ना ये पैंट काफ़ी थिक सी लग रही है। आपने देखा होगा ये वाली जो पैटर्न है ना, ये योक के ऊपर होती है। इसकी जो फैब्रिक है बहुत पतली वाली नहीं है, पैंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर भी आपको इस तरह की मिल जाती है कट। तो काफ़ी अच्छी सी ये प्रोडक्ट है गाइज, मेरे तरफ से मोस्ट बाय प्रोडक्ट है। इस तरह की जो कॉटन है ना, इस वाले वेदर के लिए परफेक्ट है। और इसके साथ में आपको दुपट्टा भी रिसीव होता है, तो दिखा दूं मैं आपको ये दुपट्टा, बहुत ही ऑसम वाली दुपट्टा है। यहाँ पर आपको दुपट्टे की जो फैब्रिक रिसीव होती है, ये है मलमल फैब्रिक। सो बहुत ही सॉफ्ट वाली जो कॉटन होती है वो है ये। इस तरह की दुपट्टा आपको रिसीव होती है और यहाँ पर भी आपको वाइट के ऊपर मस्टर्ड की प्रिंट मिल जाती है, ठीक है। ये जो येलो है ना, बिल्कुल येलो भी नहीं है, थोड़ी सी मस्टर्ड और येलो की मिक्स है। दुपट्टा की जो लेंथ है अच्छी है और विड्थ भी मैं आपको दिखा दूँ, ये भी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी सी है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सो अगर आपको पसंद आता है तो सोच सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है गाइज, ये इस तरह की मरून कुर्ती मुझे रिसीव होती है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर आपको ऑरेंज कलर की इस तरह से प्रिंट मिल जाती है, ठीक है। इस तरह की कुर्ती है और यहाँ पर आपको इस तरह का अंगरखा वाला स्टाइल भी मिलता है, ठीक है। ये अंगरखा स्टाइल की कुर्ती है, यहाँ पर आपको इस तरह की अंगरखा स्टाइल की ये नेक मिल जाती है, वी नेक। यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाती है ये वाली अंगरखा पैटर्न। यहाँ पर आपको टाई करने के लिए इस तरह से डोरी दी गई है और डोरी के नीचे आपको मरून और ऑरेंज की इस तरह से मिल जाती है टैसल्स। और योक के नीचे से आपको ये इस तरह से ए लाइन कुर्ती मिल जाती है, ठीक है। पूरी कुर्ती आपको ए लाइन मिलती है और पूरी कुर्ती में आपको ये वाली सेम प्रिंट मिल जाती है, ठीक है। इस तरह की प्रिंट मिलती है और यहाँ पर आपको मिल जाती है 3/4 स्लीव्स। स्लीव्स में भी आपको सेम प्रिंट रिसीव होती है, बैक साइड में भी आपको सेम प्रिंट रिसीव होती है। पूरी कुर्ती आपको इस तरह की मिलती है, काफ़ी अच्छी सी लुक लग रही है, वेयर करने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप घर में कुर्ती वेयर करना पसंद करते हो तो इस तरह की कुर्ती को आप घर के लिए ज़रूर चूज़ करें। डेली वेयर में इस तरह की कुर्ती काफ़ी अच्छी लगती है और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, काफ तक तो आराम से आएगी, बल्कि उससे नीचे ही आएगी। लेकिन मुझे इसकी साइज़ छोटी लग रही है। अगर ये कम्फर्टेबल रहा तो मैं ट्राई ऑन करूँगी, अगर कम्फर्टेबल नहीं होगा तो मैं ट्राई ऑन नहीं कर पाऊँगी। इसकी जो फैब्रिक है कॉटन है, प्रोडक्ट अच्छी है। अगर आपको पसंद आता है तो आप सोच सकते हैं इसके लिए। और इसके साथ जो बॉटम है वो देख, इसके साथ में आपको इस तरह की मिल जाती है पैंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से इलास्टिक मिल जाती है, ठीक है। और कॉटन फैब्रिक के साथ में ये रिसीव होती है, सॉफ्ट वाली कॉटन है, कॉटन की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। और इस तरह की मिलती है आपको ये पैंट, ठीक है। यहाँ पर आपको नैरो सी मिल जाती है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और सोबर सी है, डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जा सकते हैं इसके साथ। और इसके साथ में दुपट्टा भी है, तो मैं आपको दिखा दूं दुपट्टा। इस तरह की टाई एंड डाई पैटर्न के साथ में आपको ये दुपट्टा रिसीव होती है, ऑरेंज के साथ आपको मरून कॉम्बिनेशन मिल जाती है। दुपट्टा बहुत ही अच्छी है, कुर्ता सेट से ज़्यादा मुझे ये दुपट्टा अच्छी लग रही है। तो इस तरह की आपको ये दुपट्टा रिसीव होती है। दुपट्टे की जो लेंथ है काफ़ी अच्छी है, जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है दुपट्टे की उतनी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। दुपट्टे के कॉर्नर्स में इस तरह की आपको टैसल्स भी मिलती है मरून और ऑरेंज की,
ठीक है। इसकी जो फैब्रिक है शिफॉन है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, तो आपको अगर पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं। जो भी इसकी प्राइस होगी मैं मेंशन कर दूंगी। सो गाइज, ये थी आज की फ्लिपकार्ट हॉल। होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको टाइमली मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।